दोस्तों पंजाब विच नवी नवी जॉब्स अपडेट लैण लई साडा चैनल सबसक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में आपां गल करांगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वालों आई जॉब रिक्रूटमेंट बारे। तो इत्थे देख सकते हो एडवरटाइजमेंट है, तो क्वालिफिकेशन तो एक्सपीरियंस बारे भी डिटेल विच तुहानूं इनफॉर्मेशन इत्थे मिल जाती है। सब तो पहले गल करिए तो आप देख सकते हैं डीओ कंप्यूटर ऑपरेटर दीआं पोस्टां ने, चार टोटल पोस्टां ने, तो ग्रैजुएट तो 120 घंटे का जो कंप्यूटर कोर्स होंगे वो चाहिए है, जोड़े को लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। ठीक है, इस तो बाद सैकंड गल करिए लैब टैक्नीशियन दी है, तीन पोस्टा ने 12th पास, तो जिहड़ा इस विच कि मैडिकल साइंस में होना चाहिए था। तो इसके अलावा BSc 2 साल का एक्सपीरियंस मंगया गया है। एंड इस अलावा होर मे बहुत सारिया पोस्टा ने इतने देख सकते हो, लैब टैक्नीशियन दी है, लैबोरेटरी अटेंडेंट दी है जिस विच 12th पास तो डिप्लोमा इन मैडिकल लैबोरेटरी का मंगा गया। इस तो अलावा स्पाई सेविक दियां पोस्टां ने, 8 टोटल पोस्टां ने, 8वीं पास कैंडीडेट केवल इसनों पास कर सकता है, तो कैपेबल ऑफ रिगार्डिंग राइटिंग मतलब लिखण दी नॉलेज होनी चाहिए है, तो रीडिंग दी होनी चाहिए है। ठीक है, तो इस तो अलावा बाकी सारी पोस्टां ते निगाह मार लो एक बार। एंड इन रिगार्डिंग कोई भी इनफॉर्मेशन तुहानूं चाहिए है तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुसीं लै सकते हो। इस तो अलावा गल करिए OTA दी पोस्टां ने जिस विच 12th पास ते डिप्लोमा मंगाया गया थिएटर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो वार्डन फीमेल की एक पोस्ट है, इस विच ग्रैजुएशन विद होम साइंस विच मंगाया गया। तो इस पोस्ट में अप्लाई किवें करना, इस तो अलावा दोस्तों काफ़ी पोस्टां ने देख सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड की है जिस विच है कि एक्स सर्विसमैन विद गुड सर्विस रिकॉर्ड तो गॉड क्वालिफाइड जिहड़ी भी आई थिंक डिग्री होंदी है PSARA। इस तो अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कोल, तो एज लिमिट 40 तो 50 साल की होनी चाहिए है। तो जो भी बच्चा मतलब कि जिन्हें एलिजिबिलिटी मैच कर दियो वह इन पोस्टों को जरूर अप्लाई कर दियो। तो हुण आपां गल कर लैणा इन्हां पोस्टों नूं अप्लाई किवें करना है, तो इन्हां दे ऑफिशियल पेज से ही आपां नूं जाना पवेगा, जिसका लिंक मैं तुहानूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नीचे आप देख सकते एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म से, तो यह डाउनलोड हो जाएगा। इतने सब तो पहले आप लिखना है जिहड़ी भी पोस्ट वास्ते आप अप्लाई कर रहे हैं, इतने फिल कर देंगे, तो इतने लास्ट डेट फिल कर देंगे, तो मतलब कि जिहड़ी भी पोस्ट की लास्ट डेट है, तो इतने अपनी फोटो पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेंगे। इन्हें डिमांड ड्राफ्ट आना है, जे SC हो तो 50 रुपये का, SC ST जिहड़े कैंडीडेट ने उन्होंने वास्ते 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, तो जिहड़े जनरल तो OBC कैंडीडेट ने उन्होंने वास्ते 100 रुपीज़ की फीस लगेगी। ठीक है, इस तो बाद कुछ नहीं है, जिहड़ी भी पोस्ट वास्ते अप्लाई करने इतने आप लिख देंगे भी इस पोस्ट वास्ते अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना नेम लिखना बड़े अक्षरों में लिखना, तो फादर नेम भी बड़े अक्षरों में लिखना। इस तो अलावा डेट ऑफ बर्थ इतने फिल करनी है, तो अटैच प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का अपना प्रूफ जिहड़ी भी अपनी बर्थ सर्टिफिकेट है, ज 10वीं के रिगार्डिंग भी यही 10वीं के सर्टिफिकेट भी यही क्लीयर हो जाता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ राइट है। इस तो अलावा एज लिमिट एज कितनी होगी, मतलब कि 2022 तक 1/6/2022 तक एज कितनी होगी, इतने आप फिल कर देंगे, इन्ने साल दोगे इन्ने साल दोगे तो इन्ने डेज दोगे। ठीक है, इस अलावा कैटेगरी फिल करनी है, सब कैटेगरी विद प्रूफ, तो इस तो बाद नैशनलिटी इंडियन लिख देंगे, रिलीजन लिख देंगे, अपना धर्म कहड़ा है, मैरिड हो या नहीं हो, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इस तो बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल पानी है, तो कि साल में पास किया एग्जामीनेशन मतलब कि डिग्री अपने को उस बारे लिख देंगे, इतने किड़े साल में पास किया, किन्ने मार्क्स मिले से, किन्ने परसेंटेज प्राप्त हुए थे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स किन्ने से, इंस्टीट्यूशन नेम किड़ी यूनिवर्सिटी या स्कूल तो पास किया। ठीक है, इस तरह नॉर्मल जी डिटेल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक बार ट्राई करो, इजली फिल कर लो, जो फिर भी फिल नहीं होया तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं नैक्सट वीडियो इस फॉर्म को पूरी तरह फिल करके हुए तो प्रोवाइड करवा दें।